नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं निशा। बात करेंगे बड़ी खबर में, कौन सी खबर रही सुर्खियों में। मुख्यमंत्री ने रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर अपने निवास कार्यालय में उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उनके अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान को नमन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है, मातृभूमि की रक्षा के लिए रानी दुर्गावती का बलिदान देशवासियों को सदैव प्रेरणा देता रहेगा। केंद्रीय टीम कर रही है जांच, 6 हाथियों की मौत का मामला। सूरजपुर में हाथियों की मौत के मामले में केंद्रीय जांच टीम आएगी और घटना स्थल का जायजा लेगी। सूरजपुर में हाथियों की मौत के मामले में केंद्रीय जांच टीम आज घटना स्थल का मुआयना करेगी। बीते 10 दिन में 6 हाथियों की मौत के बाद इस मुद्दे पर केंद्र भी सक्रिय हो गया है। छुट्टी से लौटे 15 जवान कोरोना पॉजिटिव। बीएसएफ के 15 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 10 जवान बांदे और 5 जवान अंतागढ़ के कैंप में पदस्थ हैं। सभी जवान छुट्टी से लौट के कैंप में वापस आए थे। 67 पुलिस कर्मियों का हुआ ट्रांसफर, एसपी ने जारी किया आदेश। पुलिस विभाग में एक बार फिर बड़ी संख्या में फेरबदल हुआ है। सरगुजा एसपी ने 67 पुलिस कर्मियों का तबादला कर दिया, जिनमें पहली बार दर्जनों यातायात पुलिस कर्मी भी शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक आशुतोष सिंह ने देर रात लिस्ट जारी की। राजधानी में फिर हुई ट्रक लूट की वारदात। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सटे इलाके में एक बार फिर ट्रक लूट की वारदात हुई है। धरसीवा थाने के तरपोंगी के पास कुछ बदमाशों ने पहले ट्रक ड्राइवर को डरा धमका कर उसे रस्सी से पेड़ पर बांध दिया, फिर लोहे से लदे ट्रक को लूटकर फरार हो गए। ट्रक में 10 लाख का लोहा था। घटना तड़के सुबह करीब 4 बजे की है। कोरोना वायरस के करीब 16,000 नए केस, 2.5 लाख से ज्यादा हुए ठीक। देश में रोजाना हजारों नए मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड करीब 16,000 मामले मिले हैं। हालांकि संक्रमण से अब तक 2.5 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड-19 से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 4,56,183 हो गई है। इससे अभी तक 1,04,476 लोगों की जान गई है। वहीं बीते एक दिन में 15,968 नए मामले मिले हैं। कुल मरीजों में से अभी 1,83,022 सक्रिय मरीज हैं। वहीं 2,58,685 लोग ठीक हो चुके हैं। 62 एनकाउंटर कर चुके पूर्व डीएसपी ने घर में जल भराव होने पर दे दी जान। बिहार पुलिस में कभी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से मशहूर रहे पूर्व डीएसपी कृष्ण चंद्रा ने अपने घर में खुद को गोली मार कर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले सुसाइड नोट में उन्होंने इसके लिए अपने मानसिक अवसाद और एक पड़ोसी को जिम्मेदार बताया है। के चंद्रा पटना के बेऊर थाना क्षेत्र के मित्र मंडली कॉलोनी फेस 2 में अपने निजी आवास में रहते थे। आत्महत्या से पहले उन्होंने 2 पन्नों का सुसाइड नोट भी लिखा था, जो पुलिस ने बरामद कर लिया है। कोरोना वायरस से विधायक का निधन। तृणमूल कांग्रेस के कोषाध्यक्ष और पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा विधानसभा सीट से विधायक तमोनास घोष का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनके निधन पर शोक जताया है। डिप्रेशन में है मरीना, सोनू भूषण विवाद में आया था नाम। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए बताया है कि वे डिप्रेशन से जूझ रही है। उन्होंने लिखा, जब आपकी जिंदगी बेहद नाटकीय तरीके से बदलती है, कुछ अनचाहे वाक्या आपकी जिंदगी में आते हैं तो आप डिप्रेशन में जाना ही चुनते हैं। कोई नहीं जानता कि ये सब आपको कितनी बुरी तरह से प्रभावित करता है। कभी कभी आप हार मान लेते हैं और अपनी जान दे देते हैं। बहुत डिप्रेस्ड महसूस कर रही हूँ। पीसीबी ने कहा, इस साल एशिया कप होकर रहेगा, आईपीएल के लिए इसे नहीं टाला जा सकता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि आईपीएल के लिए एशिया कप नहीं टाला जाएगा, इसे पाकिस्तान के बजाय श्रीलंका या यूएई में कराया जा सकता है। पीसीबी के सीईओ वसीम खान के मुताबिक, एशिया कप टालकर आईपीएल के लिए जगह नहीं बनाई जाएगी। एशिया कप सितंबर अक्टूबर में होना है, पाकिस्तान को मेजबानी करनी है। बीसीसीआई पहले ही साफ कर चुका है कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। यही वजह है कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट को श्रीलंका या यूएई में शिफ्ट कराने की बात कर रहा है।
आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाली वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए।